भारतीय दर्शन के तत्व हमें वैदिक ऋषियों की काल्पनिक उड़ानों में अपनी विशिष्टता के साथ बीज रूप में दृष्टिगोचर होते हैं, जो आगे अंकुरित, पल्लवित एवं पुष्पित होते हुए अंततोगत व शंकर के अद्वैत वेदांत में फलित होकर चरमोत्कर्ष को प्राप्त हुए। वैदिक काल में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक शक्तियों को पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग में रहने वाले भिन्न भिन्न देवी देवताओं के रूप में पूजा जाता था। तत्कालीन लोग अपने देवी देवताओं को बलि चढ़ाते थे, बदले में उनमें यहाँ इस लोक में पशु, धन धान्य, समृद्धि, स्वास्थ्य, दीर्घायुष्य, संतान, विजय, शांति और प्रसन्नता की याचना करते थे और मृत्यु के बाद स्वर्ग चाहते थे। किंतु कुछ वैदिक ऋषियों का यह विश्वास भी था कि कोई ऐसी परम सत्ता अवश्य है, जो अपने आप को विभिन्न देवी देवताओं के रूप में अभिव्यक्त करती है। ऋग्वेद के सुप्रसिद्ध नासदीय सूक्त में वैदिक रिपि द्वारा भाव विभोर होकर ऐसी कल्पना की गई है, जिससे यह विचित्र सृष्टि उत्पन्न हुई है, जिसने इस सृष्टि को बनाया है अथवा न भी बनाया हो, जो परमदृष्टा अध्यक्ष उच्चतम स्वर्ग में विराजमान है, वह सर्वज्ञ परमेश्वर ही इस सृष्टि को जान सकता है, अथवा शायद वह भी न जानता हो। उस परम सत्य के स्वरूप सृष्टि की प्रक्रिया, आत्मा, जीवात्मा का स्वरूप और परम सत्य परमात्मा के साथ उसका संबंध, नेश्रेयस की प्राप्ति, जीवन का परम उद्देश्य और सदाचार पूर्ण जीवन यापन की आदर्श शैली जैमी अनेक बातों के विषय में गहराई में चिंतन किया गया है। इस चिंतन मनन के फलस्वरूप अनेक ग्रंथों की रचना की गई, जिन्हें उपनिषद कहा जाता है। वैसे तो इन उपनिषदों की संख्या बहुत अधिक है, पर उनमें से केवल 11 उपनिषद ही अधिक महत्वपूर्ण हैं। ये हैं ईश, कट, केन, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैतरीय, ऐत्रेय, छादोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर। ये सभी उपनिषद निम्नलिखित के बारे में आमतौर पर सहमत हैं। आय व्यक्ति जीवन में परम शाश्वत एवं केवल सत्य आत्मा जीवात्मा है। ई इस भौतिक जगत में और इससे परे भी एक ही परम सत्य है, जिसे ब्रह्म कहते हैं। इस ब्रह्म से ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है, ब्रह्म में ही यह विद्यमान है और फिर ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है। ब्रह्म सत्य है, अनंत है, चिदानंद है। ई विशुद्ध आत्मा और ब्रह्म एक ही है, उनमें कोई भेद नहीं है। यदि कोई कहे कि मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, तो वह सच्चा है। इव यह एक ब्रह्म अपनी विचित्र शक्ति माया के कारण अनेक प्रतीत होता है। वी मनुष्य के संपूर्ण दुख और कष्ट इस तथ्य को न जानने के कारण है कि मनुष्य आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा का ब्रह्म के साथ जुड़ना ही मोक्ष कहलाता है, जिसके फलस्वरूप वह जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा जाता है और यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। वी आत्मा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सांसारिक एवं नश्वर वस्तुओं के प्रति अपनी इच्छाओं को, संपूर्ण माया मोह को छोड़ देना होगा, अपनी बुद्धि को निर्मल बनाना होगा और सदाचार पूर्ण जीवन जीना होगा। ये सिद्धांत भारतीय इतिहास में बार बार प्रतिध्वनित हुए हैं। रामकृष्ण परमहंस स्वामी थी, विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, महात्मा अरविंद और आधुनिक काल के अन्य चिंतकों एवं मनीषियों ने भी उपनिषदों के दर्शन का विवेचन किया है। रामायण और महाभारत में भी नैतिक और दार्शनिक उपदेश दिए गए हैं। रामायण महाकाव्य तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात नैतिक सिद्धांतों के आदर्श पुरुष के रूप में प्रस्तुत करता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण के उपदेश समाहित हैं। संपूर्ण भारत और विश्व भर में इसे आदर की दृष्टि से देखा जाता है और अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है। इसमें कहा गया है कि मनुष्य को सुख दुख,
लाभ हानि और जय पराजय की विपरीत स्थितियों में भी अपने आप को संतुलित बनाए रखना चाहिए। इसमें ये भी कहा गया है कि आत्मा अजर अमर है, अनश्वर है। न तो शस्त्र आत्मा को काट सकते हैं और न ही आग उसे जला सकती है। ये शरीर ही नाशवान है। मृत्यु तो सदा शरीर की ही होती है, आत्मा की नहीं। शरीर की मृत्यु के बाद आत्मा तो दूसरे शरीर को अपना घर बना लेती है। ईश्वर दुष्टों को दंड देने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए समय समय पर अवतार लेता है। मोक्ष प्राप्ति के तीन मार्ग हैं: ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। ज्ञान मार्ग परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करना है। भक्ति मार्ग ईश्वर की परम सच्ची भक्ति द्वारा ईश्वर का सान्निध्य प्राप्त करने का प्रयत्न है और निष्काम कर्म के द्वारा फल प्राप्ति की परवाह किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना ही कर्म मार्ग है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का वर्तमान जन्म और उसकी दशा उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार निर्धारित होती है। कर्म में विश्वास रखना भाग्यवादी बनना नहीं है। बहुत से चिंतकों ने कहा है कि यद्यपि हमारी वर्तमान दशा हमारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए कर्म पर निर्भर होती है, फिर भी हम अपने वर्तमान जीवन में अपनी दूरदर्शिता तथा सत्कर्मों के द्वारा अपनी दशाओं और परिस्थितियों को बदल सकते हैं। हमारे ऋषिगण सत्य की खोज में बराबर प्रयत्नशील रहे, जिसके फलस्वरूप महान दार्शनिक संप्रदायों की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने जीव और जगत को पूर्वाग्रह रहित होकर मुक्त, निष्पक्ष एवं विवेकपूर्ण भाव से देखा। भारतीय दर्शन की कुछ महत्वपूर्ण प्रणालियां हैं: चार्वाक, जैन, बौद्ध, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। पहले तीन दर्शन नास्तिक हैं, यानी वे ईश्वर की सत्ता और वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करते, जबकि अन्य सभी दर्शन आस्तिक हैं, यानी वे वेदों और ईश्वर में विश्वास करते हैं। चार्वाक दर्शन, जिसे लुकायत भी कहते हैं, केवल भौतिकवाद में विश्वास करता है। भौतिक तत्वों से बना हुआ मनुष्य का भौतिक शरीर ही उसका एकमात्र तत्व है। मृत्यु ही मनुष्य का अंत है। जीवन में आनंद लेना ही उसका उद्देश्य है। मृत्यु से परे कोई जीवन नहीं होता, न स्वर्ग होता है न नरक, और न पुनर्जन्म होता है और न ही कर्मवाद। चार्वाक दर्शन आत्मा, परमात्मा अथवा इस जीवन से परे किसी अन्य जीवन में विश्वास नहीं करता। इस श्रेणी के अन्य दो दर्शनों जैन और बौद्ध के विषय में आप अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। शेष छह दर्शनों में न्याय और वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत के बीच कुछ समानता एवं सादृश्य है। मीमांसा दर्शन मनुष्य के कर्तव्यों के निर्धारण में वेदों को अंतिम प्रमाण मानता है और वेदांत विचारक जीव तथा जगत के विषय में सच्चे ज्ञान की प्राप्ति में वेदों को अंतिम प्रमाण मानते हैं। मीमांसा वेदों के कर्मकांड यानी संहिता और ब्राह्मण ग्रंथों से संबद्ध है और वेदांत ज्ञानकांड यानी उपनिषदों से। वैशेषिक प्रणाली जगत का यथार्थवादी, विश्लेषणात्मक और वस्तुवादी दर्शन है। ये दर्शन विभिन्न प्रकार की परम वस्तुओं में अंतर करने का प्रयत्न करता है और सभी वस्तुओं को पंचमहाभूतों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश के अंतर्गत, जो परमाणु, दिक, काल, मन और आत्मा के रूप में विद्यमान है, वर्गीकृत करता है। जब इन पंचमहाभूतों के परमाणु आपस में जुड़ने लगते हैं, तब जगत की सृष्टि का प्रारंभ होता है और जब उनका विघटन हो जाता है तो जगत का अंत हो जाता है। इस प्रकार वैशेषिक दर्शन में पदार्थ, पुद्गल और आत्मा के द्वैत को माना गया है। इस दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति तब होती है जब जगत के परमाण्विक स्वरूप को और आत्मा से उसके अंतर को पूरी तरह पहचान लिया जाए। न्याय दर्शन उन सभी पदार्थों, श्रेणियों,
को मानता है जो वैशेषिक दर्शन द्वारा स्वीकार किए गए हैं और उसमें एक नया पदार्थ अभाव जोड़ देता है। वह उन सभी द्रव्यों को भी स्वीकार करता है जो वैशेषिक द्वारा माने गए हैं और वह ईश्वर को संसार का सृष्टिकर्ता मानता है। उसके अनुसार ईश्वर एक ऐसी आत्मा है जो कर्म और पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त है। कर्म के नियम से उसका कोई सरोकार नहीं है। कर्म का नियम स्वतंत्र रूप से लागू होता है। प्रलय की अवस्था में जब समस्त ब्रह्मांड विघटित हो जाता है और अपवर्ग मोक्ष यानी संसार के जीवन जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति की अवस्था में आत्मा में कोई चेतना नहीं होती। न्याय दर्शन में ज्ञान के स्रोत यानी प्रमाण के विषय में विस्तृत रूप से विचार किया गया है। न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण चार प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द यानी शब्दिक साक्ष्य। सांख्य। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सांख्य दर्शन के अनुसार जगत का क्रम विकास ईश्वर के कारण नहीं होता बल्कि प्रकृति के सहज स्वरूप के कारण होता है। प्रकृति से ही सभी चीजों जैसे वायु, जल, आकाश, बुद्धि, आत्मा, चेतना, दृष्टि, स्पर्श, श्रवण, वाक आदि का विकास होता है। इन सब में एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है पुरुष यानी आत्मा। जैन दर्शन की तरह सांख्य दर्शन भी यह मानता है कि आत्माओं की संख्या अनंत है और पुरुष प्रकृति पर निर्भर नहीं है और न ही प्रकृति पुरुष पर। फिर भी पुरुष किसी न किसी रूप में प्रकृति यानी भौतिक द्रव्य पुद्गल से जुड़ा है और उनके अंतर को जान लेना ही मोक्ष है। सांख्य दर्शन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है तीन गुणों का सिद्धांत। ये गुण है सत्व, रजस और तमस। ये कहा गया है कि प्रारंभ में ये तीनों गुण हर प्राणी में संतुलित मात्रा में होते हैं, लेकिन ज्यों-ज्यों प्राणी विकसित होता है इन तीनों गुणों में कोई एक गुण अधिक प्रबल हो जाता है। सत्व गुण सच्चाई, बुद्धिमानी, सुंदरता और भलाई का प्रतीक है। रजस उग्रता, सक्रियता, हिंसा, ऊर्जा का द्योतक है और तमोगुण अंधेरे, मूर्खता, उदासी, दुख आदि का योतक है। किंतु कालांतर में तंत्रवाद में आकर पुरुष और प्रकृति के बीच के अंतर यानी उनके अर्थ में परिवर्तन हो गया है। तंत्रवाद के अनुसार पुरुष का अर्थ मनुष्य और प्रकृति का अर्थ स्त्री हो गया। योग। भारतीय दर्शनों में संभवतः योग से ही संसार में सबसे अधिक लोग परिचित हैं। इस प्रणाली में आत्म नियंत्रण और आत्म यातना को सर्वोपरि माना जाता है। जो कोई इस सिद्धांत के विभिन्न पक्षों को आत्मसात कर लेता है उसे योगी कहा जाता है। योग दर्शन के अनुसार ईश्वर सृष्टि का रचयिता नहीं है बल्कि एक उत्कृष्ट या ऊर्जास्वित आत्मा है जो कभी पदार्थ में विलीन हुए बिना अस्तित्व में रही है। इस दर्शन के अनुसार निम्नलिखित 8 क्रियाओं के द्वारा मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। आय यम आत्मनियंत्रण। यम का अर्थ है सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अचौर्य और लोभहीनता का व्यवहार। ई नियम अनुपालन। 5 अन्य नैतिक नियमों यानी पवित्रता, संतोष, संयम, वेदाध्ययन और ईश्वर भक्ति का पूर्ण और नियमित रूप से अनुपालन। ई आसन मुद्राएं। कुछ निर्धारित मुद्राओं में ही बैठना ये योग का आवश्यक अंग है। योगासन कहा जाता है। इनमें सबसे प्रसिद्ध पद्मासन है। देवताओं और ऋषि मुनियों को अक्सर इसी आसन में बैठे हुए दिखाया जाता है। इव प्राणायाम सांस का नियंत्रण। अपनी इच्छानुसार सांस पर नियंत्रण रखना योग का एक और अंग है। इसे शारीरिक तथा आध्यात्मिक दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वी प्रत्याहार इंद्रिय निग्रह।
इसके अंतर्गत इंद्रियों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है कि वे अपनी ग्राह्य वस्तुओं और भावनाओं की ओर ध्यान ही नहीं देती। वी धारणा मन में धारण करने की शक्ति, किसी एक वस्तु पर ध्यान को केंद्रित करना, जैसे नाक की अनी नोक पर अथवा किसी पवित्र चिन्ह पर। वी ध्यान मन को अन्य वस्तुओं से हटाकर उसे पूरी तरह खाली कर लेना और फिर उसमें केवल उसी वस्तु को भर लेना जिस पर उसे केंद्रित किया जाना हो। वी समाधि ध्यान की गंभीर अवस्था, इस अवस्था में केवल आत्मा ही शेष रहती है और संपूर्ण व्यक्तित्व कुछ समय के लिए तिरोहित या विलीन हो जाता है। जिस व्यक्ति ने योग में प्रवीणता या विशेषज्ञता प्राप्त कर ली हो वह लंबी आयु तक जीवित रह सकता है, बिना किसी कष्ट के लंबे समय तक सांस को रोके रख सकता है, अपनी हृदय गति को नियंत्रित कर सकता है और गर्मी तथा सर्दी के आधिक्य को सह सकता है। योग दर्शन के अनुसार आत्मा समाधि के माध्यम से जीवन चक्र से मुक्त हो जाती है और परमात्मा में लीन हो जाती है। मीमांसा। मीमांसा प्रणाली वैदिक संहिता तथा ब्राह्मण ग्रंथों के तात्पर्य को समझने, उनका सही सही विनियोग और उपयोग जानने का दर्शन है। मीमांसा दर्शन मनुष्य के कर्तव्यों के निर्धारण में और जीव तथा जगत के बारे में सच्चे ज्ञान की प्राप्ति में वेदों को अंतिम प्रमाण मानता है। उसके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए दो मार्ग हैं। एक कर्मकांड का मार्ग है जो वेदों के संहिता तथा ब्राह्मण भाग से संबद्ध है और दूसरा मार्ग ज्ञानकांड का है जिसका संबंध उपनिषदों से है। वेदांत। प्राचीन भारतीय दर्शन संबंधी विचारधाराएं वेदांत दर्शन में आकर चरमोत्कर्ष को प्राप्त हुई। वेदांत दर्शन को समझने के लिए उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र और भगवद्गीता पर शंकर आदिशंकराचार्य के भाष्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। शंकर के मतानुसार ये सभी ग्रंथ इस परम सत्य का उपदेश देते हैं कि ब्रह्म एक है। आदिशंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित वेदांत दर्शन को अद्वैत वेदांत कहते हैं। ब्रह्म में अनंत शक्तियां हैं और उनमें से एक सृजन शक्ति यानी माया है। शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं होती और इसलिए उनमें द्वैत भाव नहीं है। संपूर्ण जगत का और उसके सभी अवयवों का कोई न कोई प्रयोजन होता है। सृष्टि के निर्माण परिरक्षण और विनाश कार्य को संपन्न करने के प्रयोजन के लिए ईश्वर के तीन अलग अलग नाम और रूप हैं, जिन्हें क्रमशः ब्रह्मा विष्णु और रुद्र शिव या महेश भी कहा जाता है। ये सिद्धांत स्पष्ट रूप से यह मानता है कि परम सत्य ये है कि संपूर्ण जगत और जो कुछ भी इसमें विद्यमान है वह सब माया है, मिथ्या है, भ्रम है, सपना है, मृगतृष्णा है, कल्पना मात्र है। अंततः संपूर्ण विश्व मिथ्या है, माया है। केवल ब्रह्मा विश्वाला या परमात्मा ही सत्य है और जीवात्मा तथा परमात्मा एक ही है। व्यक्ति यानी जीव की आत्मा को तभी मोक्ष प्राप्त होता है जब जीवात्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है। आदिशंकराचार्य के परवर्ती काल में उपर्युक्त सभी दर्शनों के सिद्धांतों का विशद विवेचन किया गया और अन्यान्य पक्षों द्वारा इन सिद्धांतों की आलोचना की गई, जिसके प्रकाश में प्रत्येक प्रणाली का उत्तरोत्तर विकास होता गया। प्रत्येक दार्शनिक संप्रदाय में भी भारी द्वंद्व तर्क वितर्क एवं मतभेद चला, जिसके फलस्वरूप अनेक चिंतकों द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में अत्यंत विवेचनात्मक एवं सुव्यवस्थित ग्रंथ लिखे गए। आदिशंकराचार्य से मतभेद रखने वाली अनेक महान विभूतियों में से एक थे रामानुज, जिन्होंने उपनिषदों ब्रह्मसूत्रों और भगवद्गीता पर अपने मतानुसार भाष्य लिखे।